रानी साहिबा उठिए, आपके उठने का टाइम हो गया है। प्रिंसेस आपका नाश्ता बनकर तैयार है। अब आ गई हूँ मैं अपना आउटफिट चेंज करके। तो प्रिंसेस सैम को क्राउन पहना है जाए। क्या खूबसूरत नजारा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिंसेस समरीन। और मैं हूँ महजबीन। तो आज के लिए मैं बनी हूँ प्रिंसेस। और मैं बनी हूँ समरीन की मेड। वो तुम हमेशा से हो। सही बात है। तो ये वीडियो आप लोगों की बहुत बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ लिविंग लाइक अ प्रिंसेस फॉर 24 आवर्स। तो इस वाले वीडियो के लिए भाई हर वीडियो में यही कमेंट आता था, प्लीज ये वाला चैलेंज करो करो करो। तो हाँ, कर दिया। तो इसलिए जल्दी से आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो तो शायद अच्छी लगे आपको। तो चलो फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं प्रिंसेस बनी कैसे और हाँ मेरी सुबह की शुरुआत कैसे हुई। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि अभी समरीन अपना 3 मिलियन का गिव अवे भी अनाउंस करने वाली है। तो चलो चलो देखो। तो अभी प्रिंसेस की उठने का टाइम हो गया है, तो मैंने उसकी सारी तैयारी कर ली है उनको उठाने की। तो मैं लेकर आई हूँ रोज पेटल्स और इससे मैं उनको उठाऊंगी उस पे डाल कर उनके ऊपर डाल कर। तो चलो उठाते हैं, देखते हैं वो उठती भी है या नहीं। प्रिंसेस है ना भाई, नखरे होते हैं बहुत। रानी साहिबा उठिए, आपके उठने का टाइम हो गया है। हमारे ऊपर और फूल बरसाए जाए। जी रानी साहिबा। उठ गई। रानी साहिबा आपकी नींद पूरी हुई या नहीं? बस भी करो अब हमारी प्रजा को गुड मॉर्निंग। हम तुम्हें इस घर से निष्कासित कर देंगे, ज्यादा फूल मत बरसाओ। ठीक है प्रिंसेस, जैसी आपकी मर्जी। आइए। हाँ हाँ आते हैं। जल्दी से हमारे नाश्ते का प्रबंध किया जाए। जी आइए। प्रिंसेस पहले मैं आपको तैयार कर दूं या फिर आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं? आज हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद रेडी हो। तो जल्दी से हमारे नाश्ते का प्रबंध किया जाए। जी बिल्कुल। तो आज आप क्या खाना पसंद करेंगी? आज मुझे पैनकेक खाना है। प्रिंसेस आप प्रिंसेस से ज्यादा कोमोलिका का रोल कर रही हैं। हमसे बहस नहीं वरना हम तुम्हें निष्कासित कर देंगे। और ये दांत भी मत निकालो वरना मैं तुम्हारे सारे दांत निकाल दूंगी। प्रिंसेस हूं मैं। प्रिंसेस को मारोगी निष्कासित जाओगी। चलो जल्दी से जाओ और मेरे लिए नाश्ता लाओ। मैं अभी प्रिंसेस के लिए नाश्ता लेकर आ जाती हूँ जल्दी से। देखते हैं प्रिंसेस को मेरे हाथ का नाश्ता पसंद भी आता है या नहीं। चलो मेट जल्दी जाओ। क्या मच्छर मार रही हो क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी तो आ रहा है मेरा नाश्ता और प्रिंसेस बनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। अभी वो गई है इसलिए मैं अपना समरीन वाले लुक में आ गई। और यार सच में मैं बता नहीं सकती, प्रिंसेस बनकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। और प्रिंसेस वाली फीलिंग ही अलग है यार। अब आप लोग आगे आगे देखते रहो क्या क्या होता है आज। वैसे भी मैं ये बहुत टाइम से करना चाहती थी, मैं सोच रही थी कि मैं भी कभी प्रिंसेस बनूं और 24 आवर्स। चलो कैसे कैसे पता नहीं मैंने मेड रख ली है जो मुझसे ही जबान लड़ा रही है। चलो फिर मेरा जल्दी से नाश्ता आता है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमारा नाश्ता लाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? हमारा नाश्ता लाया जाए। प्रिंसेस आपका नाश्ता बनकर तैयार है। रखो तुम खुद नीचे, ट्रे पकड़ाओगी प्रिंसेस को। बहुत समय लगा दिया। माफी चाहती हूँ मैं इसके लिए। पहले आपकी प्रजा को दिखा दो नाश्ता। ठीक है मैं बताती हूँ अपनी प्रजा को। प्रजा ये है हमारा नाश्ता, पैनकेक और कुछ डोनट्स। तो पहले हम चश्मा निकाल लेते हैं। ये लीजिए अंधी प्रिंसेस। प्रिंसेस मेरा भी खाने का दिल कर रहा है प्रिंसेस। मैंने अपने लिए बर्गर मंगाया। आप यहाँ कैसे बैठे? मैंने तो अपने लिए भी मंगवाया है बर्गर और पैनकेक। और क्या मैं इनके सामने खा सकती हूँ? हाँ ठीक है खा लो। टेस्ट करा प्रिंसेस। ये गलत बात है, मैं बड़ी प्रिंसेस हूँ। तो फिर ठीक है मैं भी अपना नाश्ता लेकर आ जाती हूँ। प्रिंसेस के साथ खाने में मजा ही कुछ और होगा, ऊपर से आज प्रिंसेस ने मुझे अनुमति दी है कि मैं इनके साथ खा सकती हूँ। और इतनी कठोर हिंदी के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि हमारे महल में सब शुद्ध हिंदी बोलते हैं। और बताइए महारानी। सैम प्रजा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको हमारा नाश्ता कैसा लग रहा है। मैं भी अपने लिए खाने के लिए लेकर आ गई हूँ, जैसे कि ये बर्तन में खा रही हैं। ऐसे बर्तन में मैं नहीं खा सकती, ना ही मेरे प्लेट के आसपास रोज पेटल्स होंगे। लेकिन मेरे पास ज्यादा खाने की चीजें हैं। मेरे पास बर्गर है, पैनकेक है और न्यूटेला है जो कि पैनकेक के साथ ही है। और प्रिंसेस को बर्गर खाने का मन कर रहा है। आज प्रिंसेस को सिर्फ मीठा खाना है। तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। प्रिंसेस के साथ बैठकर तुम आंखों में आंख डालकर खाओगी। रुको तुम ये नहीं खा सकती। हाँ मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी लेकिन अब मेरा दिमाग चेंज हो गया है। लेकर जाओ इस और मेरे सामने से हटा दो। जाओ
और रुको बहुत ही बुरी प्रिंसेस है, मुझे नहीं पता कि इनके शहर के लोग कैसे जी रहे हैं। चलो निकले यहाँ से। प्रिंसेस इतना रूड ही बात नहीं करती वैसे, लेकिन मैंने उसे भगा तो दिया है, लेकिन वो मेड ऐसी है ना कि कहीं पर भी बैठकर खा लेगी और वो पूरा खाएगी और उसे अभी बुरा लग रहा होगा कि मैंने बर्गर ले लिया। लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा ना, प्रिंसेस को जो पसंद आ जाए वो उसे लेकर ही रहती है। चलो सबसे पहले मैं अपना नाश्ता अच्छे से कर लेती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। प्रिंसेस जो है हमारी, उनको अब रेडी करने का टाइम आ गया है, तो मैं जा रही हूँ उनका मेकअप करने, उनकी हेयर स्टाइलिंग करने। और हेयर स्टाइल आप लोगों को पता ही होगा उसको कितना पसंद है करवाना, आज वो बहुत खुश है वो, और अपने बाल वो कर्ल करवाने वाली है। एक दो हफ्ते पहले उसने बोल दिया था कि मैं प्रिंसेस वाला अगर चैलेंज करूंगी तो तुम मेरे बाल कर्ल करोगी। बिल्कुल। तो अभी वो अपना फेस वॉश करके आई है और वो मॉइस्चराइजर लगा रही है, तो मैं दिखाती हूँ आपको, फिर मैं रेडी करूंगी इसको। पहली बार मतलब बचपन में करती थी मैं। क्या प्रिंसेस मेरी गोद में बैठना पसंद करेंगी? बिल्कुल नहीं, प्रिंसेस की तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं नौकरानी लग रही हूँ क्या कहीं से भी? बिल्कुल नहीं, नौकरानी लग रही। तो मुझे अपना बेस करना खुद ही पसंद है, इसलिए मैंने खुद कर लिया। और अब मेरा आई मेकअप थोड़ा बहुत तुम कर दो, वैसे मैं देखती रहूंगी, अगर मुझे पसंद नहीं आता खुद करूंगी। और ये जो नीचे आपको पाउडर दिख रहा होगा एक्स्ट्रा, वो उसने बेकिंग के लिए रखा है। हाँ, कौन सा शेड? पिंक। आपका पिंक गाउन है प्रिंसेस, तो आप ये वाला शेड यूज करोगी या ये वाला? मैं सोच रही हूँ कि तो प्रिंसेस का अगर आप पूरा मेकअप देखने बैठ जाएंगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे इसमें, तो समझो आधा दिन तो हमारा मेकअप में ही चला जाएगा करते करते। हाँ, और मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी तक मैं प्रिंसेस नहीं लग रही थी, लेकिन प्रिंसेस बनने के लिए मुझे इतना सब कुछ करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मैं लगूंगी अच्छी वाली प्रिंसेस, क्योंकि प्रिंसेस ऐसी तो होती नहीं है बिल्कुल भी। पूरा मेकअप करने के बाद तो प्रिंसेस का मेकअप हो गया है, लेकिन अब प्रिंसेस को अपना आउटफिट चेंज करना है। तो प्रिंसेस का मैं मेकअप अभी दिखाऊंगी जब ये पूरा ड्रेसअप हो जाएगी। हाँ, उसके बाद मेरी हेयर स्टाइलिंग भी होगी और उसके बाद मैं लगूंगी प्रिंसेस। अभी से लग रही हूँ ऐसे। चलो फिर चलो, मैं लग रही हूँ लेकिन। यह है हमारा प्रिंसेस वाला गाउन, और आज मैं अपना बर्थडे गाउन पहनने वाली हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं ये सेकंड टाइम पहन रही हूँ और मुझे ये गाउन बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा मैंने ये कब पहना था, अगर पता है तो कमेंट करके बताओ। हाँ, अपने बर्थडे पे पहना था। तो चलो अब फिर से पहनती हूँ। तो अभी अभी मैंने प्रिंसेस का ये क्राउन चोरी कर लिया है, आप लोग प्लीज बताना मत उसको। ये क्या कर रही हो तुम? प्रिंसेस के सामने प्रिंसेस का ताज उठा लिया। छोड़ो, निकाल उसको, मेड हो ना, मेड बंद कर रहा हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ कर्ल्स करने। ये वाला जो कर्ल्स है वो करना बड़ा ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन तुम्हें करना होगा ये सब, मुझे खुद नहीं आता ये। प्रिंसेस को बालों में दर्द हो रहा है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। मुझे ना ये ड्रेस पहनकर पूरा मेरा बर्थडे वाला फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी बर्थडे पार्टी है। तुम तो अपने बर्थडे में भी ऐसी ही रेडी नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन अलग फीलिंग थी यार वो। हाँ, बर्थडे वाले दिन की अलग ही बात। मैंने बर्थडे पे अपने बाल, मेरे बाल में ना कलर था ना, मैंने कर्ल्स किए, बिल्कुल सिंपल सा था। अगर ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन चलो उस वक्त ऐसा था। तो हेयर कर्ल्स करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं काम करती हूँ, पूरे बाल कर्ल्स करने के बाद मिलती हूँ। अभी तक देख लो आप कैसा हुआ, स्ट्रेट और कर्ल्स में कितना फर्क है ना। तो अभी आप देख सकते हो समीर ने अपनी ड्रेस पहन ली है, अब मैं जा रही हूँ इसका क्राउन इसके सर पे डालने, जिससे ये पूरी प्रिंसेस लगेगी। हाँ, हमारा जो है आधा दिन इसको तैयार करने में, इसका ब्रेकफास्ट कराने में ही लग गया। आखिर मैं प्रिंसेस हूँ, टाइम तो लगेगा ही ना। तो चलो अब तुम्हें पूरी तरीके से प्रिंसेस बनाते हैं, आइए बैठिए। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी इन दोनों चीजों का, क्योंकि ये दोनों चीजें ही बिल्कुल मुझे प्रिंसेस बनाएंगी। प्रिंसेस आपकी सिर्फ 4 उंगली है क्या? प्रिंसेस एक उंगली छोटी है आपकी। छोटी नहीं हो गई। हाथ लाओ प्रिंसेस, सॉरी प्रिंसेस। ये मेरी जो मेड है ना, मुझे इसको निकालना होगा घर से, सच में सबसे बदमाश और बदतमीज। परेशान कर रही हो यार तुम, बचपन में स्कूल जाने में मुश्किल होती, उंगली खो जाती थी। ओह माय गॉड,
दूसरा फुट पहनो, तुम किस चीज की मेड हो फिर? जब तुमसे एक काम नहीं हो सकता तो किस चीज की मेड हो तुम? बस ये हाथ मत लगाओ फिर, क्या कर रही हो ये? Dip, potato, chip. तो प्रिंसेस सैम को क्राउन पहनाया जाए। बहारो मेरी आवाज बंद करो प्लीज और बरसाओ और बस बस ये तो मार रही हो तुम, बरसा रही हो, मार रही हो उससे। प्रिंसेस बिल्कुल तैयार है, अब प्रिंसेस की रील्स बनाओ, नए जमाने की प्रिंसेस है। तो सबसे पहले तो मैं प्रिंसेस का पूरा लुक दिखाती हूँ आपको कि ये कैसी लग रही है। चलो हमें कहीं जंगल की सैर कराने ले चलो। ओह तो आपको जंगल में जाना है, चलो फिर चलते हैं। तो जैसे कि मैं प्रिंसेस बनी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सभा को कुछ गिफ्ट्स दूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं आज अनाउंस करने वाली हूँ अपना 3 मिलियन का गिव अवे। तो इस गिव अवे में है मेकअप, स्टेशनरी एंड फैशन से रिलेटेड चीजें। और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वही सेम स्टेप्स करने हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो पर कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। बस आपने पार्टिसिपेट कर लिया। और हाँ, जब आप ये चीजें करेंगे तभी आपका नेम गिव अवे की लिस्ट में आएगा और मैं फिर चूज करूंगी कि विनर कौन है। इस बार होने वाले हैं 30 विनर्स, क्योंकि ये है 3 मिलियन का गिव अवे, इसलिए मैंने सोचा कि 30 विनर्स अच्छे लगेंगे। तो जो भी लास्ट गिव अवे में सैड हो गए थे, इस बार आप लोग ट्राई करो, क्या पता शायद आप ही विनर हो। तो जल्दी से जाओ, वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो पर कुछ भी कमेंट करो और बस आपने पार्टिसिपेट कर लिया इस गिव अवे में। तो चलो फिर अब मैं चलती हूँ अपनी जंगल की सैर करने। वाह क्या खूबसूरत नजारा है, कितनी ताजगी भरी हवा चल रही है यहाँ। और ये फूल कितना सुंदर है, हमें तो प्रकृति से प्यार है। और ये तितलियाँ कितनी सुंदर है, इतना अच्छा मौसम है यहाँ का। चलो एक दो सेल्फी ले लेती हूँ, मैं मॉडर्न जमाने की प्रिंसेस हूँ ना, इसलिए सेल्फी लेनी तो बनती है। चलो आज के लिए काफी है, हमारा रथ तैयार किया जाए, अब यहाँ से चलने का समय हो गया है। तो अभी प्रिंसेस ने मुझे बोला है कि आप मेरे फोटोज लो और रील्स बनाओ। हाँ तो अभी वही जा रही हूँ मैं करने। तो ये देखो करो, तो जल्दी से इस वाले रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फटाफट से। आईडी दिख रही होगी, जल्दी जाओ, हम दोनों को करना, हमारी दिख रही होगी, जल्दी जाओ और फॉलो करो। एक्साइटेड हो गई थी अभी, भूल गई थी कि मैं प्रिंसेस हूँ। चलो आप देखो रील्स बनाते हुए, ठीक है? तो मैं बना लेती हूँ अपनी रील्स। मेरी तो भाई हालत खराब हो रही है, मेरे बाल वाल सब खराब हो गए हैं, बहुत बुरी लग रही हूँ अब मैं। मेरी हालत बहुत सही है मैम, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे नहीं आ रहा मजा, मुझे सोना है। प्रिंसेस ऐसी है भाई जो इसको नींद भी नहीं आती। आप लोगों ने ये प्रिंसेस वाली वीडियो देख ली है तो जल्दी से जाकर मेरी भी वीडियो देख लो, लिविंग इन माय कार फॉर 24 आवर्स चैलेंज, ये भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, जल्दी जाओ और देख लो। हाँ, वो मुझे लगता है अब तक आप लोगों ने देख ली होगी। हाँ मैंने पहले ही। तो मैं अपनी प्रजा को, मैं प्रजा के लिए लाइव आ रही हूँ और ये उससे पूछेंगी कि उनके शहर में सब कुछ ठीक है या नहीं, कुछ परेशानी तो नहीं है। चलो भैया, ओहो अलसाइम, तो पूछो। तो अलसाइम मुझे तुमसे बोलना है कुछ, मैं आज प्रिंसेस बनी हूँ तो तुम मेरी प्रजा में से हो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कोई तुम्हारे शहर में परेशानी तो नहीं चल रही? अगर चल रही है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं आज के लिए प्रिंसेस बनी हूँ, मैं सब तुम्हारी चुटकी बजा कर सब सही कर दूंगी। बताओ क्या परेशानी है तुम्हारे शहर में? तुम्हारे शहर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही? अगर प्रॉब्लम चल रही है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगी, क्योंकि मैं हूँ आज के लिए प्रिंसेस। खेतों में पानी वानी तो जा रहा है ना, सब कुछ हो रहा है ना, अगर कुछ नहीं हो रहा तो प्लीज मुझे बताओ, मैं सॉल्यूशन दूंगी और यूं सही कर दूंगी। अरे मेरा दूसरा प्रिंसेस, आप अपने हाथ को संभाल नहीं रही हैं। तुम हो क्या, मेड हो ना प्रिंसेस की, पिनाओ इसको। खत्म होने दो चैलेंज, उसके बाद बोलो यार। मैंने तुम दोनों से पूछा, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मैं
कैसी प्रजा है बताओ जरा। कोई परेशानी नहीं है, ठीक है चलो, किसी को भी कोई परेशानी नहीं है, तो मेरी प्रजा मुझसे बहुत खुश है। सैम प्रजा पहले ये डिसाइड करिए प्रिंसेस कहाँ जाना है। तारों के ही शहर में जाऊंगी। वैसे कचरा तो भाई डस्टबिन में ही जाता है। कचरा नंबर वन तो तुम ही हो ना, कचरे की बहन, बड़ी कचड़ी। कचड़ी तो मेरी प्रजा को तो मुझसे कोई परेशानी नहीं लग रही है, मेरी प्रजा मुझसे बहुत खुश है। अब हम मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर में बातें कर लेती हूँ। तो मेरी प्रजा तो मुझसे बहुत खुश है, मैंने सबसे बात कर ली और सब लोग तो बोल रहे थे कि हम लोग बहुत खुश है, हमारे पास कोई परेशानी ही नहीं है। तो मैं तो भैया खुश हो गई कि सबका सब कुछ सही चल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि तुम बहुत ही अच्छी प्रिंसेस हो। और वो तो मैं हूँ। आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं अच्छी प्रिंसेस हूँ या नहीं। तो अब मुझे थोड़ा रेस्ट करना है यार, क्योंकि ये प्रिंसेस का आउटफिट ना बहुत हैवी होता है। और अभी पता है कितना टाइम, अभी ओ माय गॉड 11 बजने वाले रात के, और तुम कब से 1 बजे से प्रिंसेस बनने की तैयारी में लगी हो। हाँ। तो चलो फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और तो मुझे प्रिंसेस बनकर तो बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। और मैं हमेशा सोचती थी कि ये क्राउन लगाऊं कभी, और ये जब लगाया तो आज मुझे बिल्कुल प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही थी। और ये ग्लव्स लगाने के बाद भी। तो आप लोग कमेंट में बताना कि समरीन कैसी लगी आपको इस प्रिंसेस वाले लुक में। हाँ। और आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, आप लोग 3 मिलियन के गिवअवे में जरूर पार्टिसिपेट करो, वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो पर कुछ भी कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हमें फॉलो करना आप लोग इंस्टाग्राम पे, जो आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, AliMehjabeen42 और SamreenAli142। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पे आप क्लिक करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।